राम राम सभी लोगों को। MCQ चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये घटनाचक्र 2021 का साइंस का क्वेश्चंस हैं, जिसमें फिजिक्स के पहले दो चैप्टर के क्वेश्चंस का मैं MCQ बना रहा हूँ। इसमें 1990 से लेकर 2021 तक के सारे क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो विद्युत धारा मूल भौतिक राशि होती है। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति इक्वल टू होता है कार्य बटा चाल टाइम। SI मात्रक इसका हो जाता है जूल प्रति सेकंड के बराबर, क्योंकि टाइम आ गया है तो प्रति सेकंड भी आएगा। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वॉट। विद्युत शक्ति की इकाई वॉट होती है। अगला क्वेश्चन है, बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, या कहीं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखा होता है। बल इक्वल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। आवृत्ति को मापा जाता है, 2018 BPSC क्वेश्चन है, हर्ट्ज में मापा जाता है आवृत्ति को। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है 2019 BPSC का, कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है कि कोई चीज़ विद्युत धारा को कितना रोक रहा है। रेसिस्टेंस R भी होता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं, जैसे सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं वो कम प्रतिरोधकता वाले होते हैं। इनकी SI इकाई ओम मीटर होता है। वैद्युत प्रतिरोधकता बराबर RAYI होता है। R वहाँ पर वैद्युत पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध ओम में मापते हैं, रेसिस्टेंस जिसको बोलते हैं उसको ओम में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओम मीटर मात्रक है किसका? प्रतिरोधकता का ही मात्रक होता है ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष हमेशा दूरी को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। रिपीटेड क्वेश्चन है 66 BPSC प्री में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष होता है, फिर से वही क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी मापते हैं। एक सेकंड में प्रकाश चलती करीब 3,00,000 किलोमीटर, तो इसी हिसाब से एक साल में कितनी चलती है उसको हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई होती है, दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का। रिपीटेड क्वेश्चन है सारे। प्रकाश वर्ष क्या है? वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक होता है। तारों की दूरी को पारसेक में मापते हैं, ये होता है 3.25 प्रकाश मीटर। प्रकाश 3 वर्ष और 25 में चलेगी, इतना उतने का होता है एक पारसेक। अगला क्वेश्चन है, पारसेक का मात्रक क्या है? पारसेक मतलब मात्रक किसका है? दूरी का। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? तो सेंटीमीटर को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो नैनोमीटर के लिए हमेशा 6 फीट लंबे है, 183 × 10⁻⁷ नैनोमीटर हो जाएगा। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ होता है। तो 1 फीट बराबर 0.305 मीटर, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 183 × 10⁷ नैनोमीटर आ जाएगा। 1 नैनोमीटर होता है, सेंटीमीटर में दिया है इसलिए 10⁻⁷ होगा, और अगर मीटर में तो 10⁻⁹, दो जो जीरो और बढ़ जाएंगे। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ का। सारे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं स्टेट PCS में। एम्पियर मापने की इकाई है, क्या मापते हैं? विद्युत धारा को मापते हैं एम्पियर में। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है, उत्पादित की जाती है जहाँ, जैसे जहाँ विद्युत का उत्पादन होता है वहाँ मेगावाट में मापते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा होती है विद्युत उत्पादन की। अब सूची 2 को सूची 2 से मिलाना है सूची 1 को। इसमें भौतिक राशियाँ, इसमें इकाई है। तो त्वरण का होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का होगा न्यूटन। कार्य का होता है जूल।
आवेग का होगा न्यूटन सेकंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो दाब डाइन सही सुमेलित नहीं है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डाइन होता है। ये एसआई पूछा है, सीजीएस में डाइन होता है। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक नहीं है? विकृति का राशि का मात्रक नहीं होता है। फिर से सूची मिलान करने का है, इकाई और इसे प्राचल, प्राचल दिया हुआ है। वॉट शक्ति का होता है। नॉट समुद्र में दूरी को हम नॉट में मापते हैं, समुद्र की दूरी, जैसे 12 नॉटिकल माइल मापते हैं उसी तरह से, नॉटिकल मील समुद्र में मापते हैं, सॉरी नॉट में जहाज़ की गति मापते हैं, नॉटिकल मील में मापते हैं नौचालन का। कैलोरी होता है उष्मा, तो एक का चार हो गया, वॉट शक्ति, बी का तीन हो गया, नॉट समुद्री जहाज की गति, नॉटिकल मील नौ संचालन में मापते हैं और कैलोरी उष्मा में मापते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिर से मैच करना है। जूल, जूल कार्य से मैच होगा। एम्पियर, एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का होता है। वॉट किसका होता है? समर्थ या वोल्ट क्या है उसका, उष्मा। कैलोरी किसका होता है? विभवांतर का। फिर से इसको करते हैं, जूल का होगा कार्य, एम्पियर का होगा विद्युत धारा, वॉट का होगा सामर्थ, वोल्ट का होगा विभवांतर और कैलोरी का होता है उष्मा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रकाशवर्ष समय की नहीं दूरी की मापक होती है, प्रकाशवर्ष। अगला है, एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो तरंग दैर्ध्य की इकाई है एंगस्ट्रम। एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? तो 746 वॉट होते हैं एक हॉर्स पावर में। फिर से मैच करना है इसको, तो पहले देख लेते, उच्च वेग, तरंग दैर्ध्य, दाब और ऊर्जा। तो उच्च वेग का होगा मैक, उच्च वेग का होगा मैक, बहुत बहुत तेज रफ्तार को मापना है। तरंग दैर्ध्य का होगा एंगस्ट्रम, दाब का होगा पास्कल, ऊर्जा का होगा जूल। अगला क्वेश्चन है, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है दबाव से, मात्रक पूछ रहा है। एक माइक्रोन बराबर होता है, एक बटा 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है एक माइक्रोन। एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है 10^-4 सेंटीमीटर को एक माइक्रोन कहते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सेल्सियस, सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं होती है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है? तो वॉट उष्मा की इकाई नहीं है। उष्मा की इकाई निम्नलिखित में कौन सी नहीं है? तो सेंटीग्रेड नहीं है उष्मा की इकाई। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है? 1000 मीटर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10^-12 के बराबर होता है 1 पिकोग्राम। पास्कल इकाई है किसकी? दाब। पास्कल दाब की इकाई है। दाब की इकाई क्या है? न्यूटन पर वर्ग मीटर भी होता है दाब की इकाई। दाब का मात्रक क्या होता है? इसमें ई ऑप्शन हो जाएगा। बल प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे प्रायः क्रिया वर्ग सेंटीमीटर से ही निरूपित किया जाता है, दाब की एक अप्रचलित इकाई है। यह एसआई प्रणाली का अंग नहीं है, तो इसलिए इसका ई ऑप्शन हो गया। अगला है, पारिस्थितिक दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको किस में मापते हैं? तो बार में मापते हैं उसको हम। अगला है, 1 किलोग्राम/cm² दाब समतुल्य होता है, एक बार के समतुल्य होता है, और एक डाइन बराबर होता है 0.1.02 × 10^-6 के जी। तो इसी तरह से एक बराबर हो जाता है 6×10^-6 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है, निम्नलिखित कौन सी अदिश राशि है? तो दाब अदिश राशि है।
तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? 159 लीटर का एक बैरल होता है, अंतर्राष्ट्रीय पैमाना होता है ये मापने का। लंबाई की न्यूनतम इकाई है तो फर्मी मीटर लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है 10^-15, सबसे छोटी लंबाई जहाँ तक अभी हम देख पाए। क्यूसिक प्रवाह की दर मापता है। जल की प्रवाह दर को मापने के लिए क्यूबिक प्रति फीट प्रति सेकेंड का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में बाइट डिजिटल सूचना की एक इकाई होती है, बाइट बिट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट। ऐसे रिएक्टर भूकंप मापता है और बार दाब की एक इकाई होती है। तो क्यूसेक हो जाएगा प्रवाह की दर, बाइट हो जाएगा कंप्यूटर, रिएक्टर भूकंप का हो जाएगा, बार हो जाएगा दबाव का। अगला, निम्नलिखित तो कौन एक वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? तो ओजोन की इकाई हमेशा ड्रॉप्सन में नापते हैं और ये समताप मंडल में उपस्थित होता है। अगला है, ड्रॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई में नापने में। एक ड्रॉप्सन इजकल को कितना होता है? 2.69 × 10^20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर में आते हैं। अगला चैप्टर है मापक यंत्र एवं पैमाने, इसमें भी करीब 50 क्वेश्चन होंगे। सोनार निम्नलिखित में निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, नौ संचालन में सोनार का यूज करते हैं। ये सोनार एक तरह से सोलर रडार, साउंड बेस रडार का काम करता है जहाज़ों में। महासागर में डूबी वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का ही प्रयोग किया जाता है। सोनार में हम उपयोग करते हैं ध्वनि तरंगों को, पराश्रव्य तरंगों को। ध्वनि पराश्रव्य, पराश्रव्य, अवश्रव्य और श्रव्य तीन होते हैं, तो पराश्रव्य को यूज किया जाता है सोनार में। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर कहलाता है। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? पवन का वेग मापा जाता है एनीमोमीटर से। रिपीटेड है अगला, ये वायु की गति निम्नलिखित द्वारा नापी जाती है, एनीमोमीटर द्वारा नापी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एनीमोमीटर वायु की चाल सही है, अमीटर विद्युत धारा बिल्कुल सही है, पाइरोमीटर उच्च ताप सही है, टैकियोमीटर दाबांतर गलत है। अगला है, पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो अभी पढ़ा था उच्च ताप के, सूरज की ताप पाइरोमीटर में ही मापते हैं। अगला है, निम्नलिखित संयंत्रों से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? तो पाइरोमीटर का। निम्नलिखित तापमापियों से किसे पाइरोमीटर कहा जाता है? विकिरण तापमापी को पाइरोमीटर कहते हैं। अगला है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सी मापने हेतु उपयुक्त हो वह है? तो पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर कहते हैं उसको। पाइरोमीटर जब भी आएगा तो हाई टेम्परेचर आता है। पाइरल हियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित से किसको मापने के लिए किया जाता है? सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। सोलर विकिरण को नापने के लिए मुख्यतः दो प्रकार के उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं, एक होता है पाइरेनोमीटर और एक होता है पाइरिहिलियोमीटर। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती थी? गैस के दाब का माप किया जाता है। फिर से मैच करना है, उपकरण यंत्र है, इधर मापन की गई राशि है, क्या मापते हैं? एमीटर से विद्युत धारा मापते हैं। हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापते हैं। स्प्रिंग तुला से भार मापते हैं, स्प्रिंग तराजू बोल रहा है। बैरोमीटर से दाब मापते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑडियोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है, गाड़ी में जो मीटर लगा होता है वो इसी यही होता है। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र होता है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक होता है। एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र होता है। ध्वनि तीव्रता ऑडियोमीटर से मापते हैं और ओडोमीटर से वाहनों द्वारा चली गई दूरी मापते हैं। एमीटर गलत है, एम्पियर मीटर होता है या वॉट होता है। विद्युत धारा निम्न से किस उपकरण से नापी जाती है? एमीटर से नापी जाती है। रिपीटेड क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर का यूज किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने में।
साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग किया जाता है? पारा किया जाता है। साधारण द्रव में बैरोमीटर बनाने में साधारण पारा का उपयोग होता है। बैरोमीटर या वायुदाब मापी एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से वायुदाब मंडल के दाब को मापते हैं। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है लैक्टोमीटर के द्वारा। और ब्यूटीरोमीटर का दूध या दुग्ध उत्पादों वसा की मात्रा को मापने का उपकरण होता है। ब्यूटीरोमीटर दूध में वसा को मापते हैं। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो हाइग्रोमीटर द्वारा हवा में आर्द्रता को नापते हैं। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? वातावरणीय आर्द्रता। रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? हाइग्रोमीटर। मानांकित घटिया हिंदी। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। सारे रिपीटेड क्वेश्चन बीपीएससी में। निम्नलिखित में कौन से सही सुमेलित हैं? तो थर्मेरेसिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है थर्मेरेसिस्टर, यही सही है। थर्मेरेसिस्टर एक उपकरण होता है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है। मैच करना है। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए मापा जाता है। स्फिग्नोमीटर ये रक्तचाप मापने के लिए होता है। लक्स मीटर ये प्रकाश की तीव्रता मापता है। कैरेटोमीटर ये सोने की शुद्धता मापता है कैरेट में। रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम क्या होता है? स्फिग्नोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर मापता है। स्फिग्नोमैनोमीटर निम्नलिखित में किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापन के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो पाइरोमीटर। हमेशा हाई टेम्परेचर के लिए पाइरोमीटर ही यूज करते हैं। अगला है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो लक्स मीटर, उसको कहते हैं लक्स मीटर। रडार उपयोग में लाया जाता है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। निम्नलिखित तो कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता हमेशा रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिएक्टर पैमाने पर। रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है भूकंपीय लहरों का आयाम। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने पर। सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो रिएक्टर पैमाना द्वारा आर्द्रता नहीं नापी जाती है। अगला है, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? अगला क्वेश्चन है, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो केल्विन में कभी ऋणात्मक मान नहीं होता है। अगला है, निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो सिस्मोग्राफ भूकंप मापी होता है। अगला है, और सिस्मोग्राफ भूकंपीय तीव्रता मापने वाला यंत्र है, और कैस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापने का एक यंत्र होता है। एक्सप्लेनेशन में बहुत सारे चीज़ कंटेंट होते हैं। कैस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापने का एक यंत्र होता है जिसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने 1900 ईस्वी में किया था। रेनगेज वर्षा मापी यंत्र है। गीगर काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदक है जो आयनित विकिरण को मापता है। भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो सिस्मोग्राफ में मापी जाती है। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। रिपीटेड क्वेश्चन है सारे। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो वही भूचाल, भूकंप, यही सब। भूकंप, सिस्मोग्राफ, विद्युत धारा एमीटर, प्रतिरोध ओम में मापते हैं, ऊंचाई अल्टीमीटर में मापते हैं, ये एरोप्लेन वगैरह में लगा होता है अल्टीमीटर, पृथ्वी से ऊंचाई मापते हैं उनके।
अगला है फैदोमीटर, फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापता है। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मापता है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापता है। फैदोमीटर का उपयोग किसके नापने में किया जाता है? तो समुद्र की गहराई नापने में फैदोमीटर का उपयोग किया जाता है। सूची वन को सूची दो से मिलाना है। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर वायु का वेग मापता है। सिस्मोग्राफ भूकंप मापेगा। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब को मापता है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सिस्मोमीटर पृष्ठतल की वक्रता नहीं मापती, ये गलत दिया है। सिस्मोमीटर नामक यंत्र भूकंप तरंग की तीव्रता मापी जाती है। कार्बोरेटर के द्वारा इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ आवेशित किया जाता है। कार्डियोग्राम नामक यंत्र हृदय की धड़कनों के चित्रित करने में उपयोग किया जाता है। अब मैनोमीटर दाब का मापक यंत्र होता है। निम्नलिखित में किसके मापन में फैनोमीटर का उपयोग किया जाता है? फैनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में किया जाता है, जो इनमें से किसी में भी नहीं था। अगला है झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो पॉलीग्राफी, पॉलीग्राफी टेस्ट होता है। पॉलीग्राफी झूठ का पता लगाता है। पायरोमीटर उच्च तापमान, गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तु की गति नापता है। कोई वस्तु जब चल रही है तो उसकी गति मापती है। काइमोग्राफ शरीर की क्रियाओं के ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाले यंत्र, जैसे रक्तचाप, हृदय की धड़कन आदि, इससे मापी जाती है। ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एजिमथ में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो थियोडोलाइट इसको कहा जाता है। इस तरह से 100 क्वेश्चंस हमने आज कंप्लीट किए हैं। अगली वीडियो आएगी जिसमें दो चैप्टर फिजिक्स के बाद हम बायो कंप्लीट करेंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं बीपीएससी में, दरोगा में, और साइंस का तो वेटेज बीपीएससी में 30 क्वेश्चन तक चला गया है। तो थैंक यू सो मच। ओके बाय।